जो बेबल न्यूज के बेबल को मोस्ट वेलकम, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हम उनके लिए अवेलेबल है। और मैं मेमन चंद का थैंक यू कहता हूँ कि वो आए और इतना कीमती वक्त निकाला। मेमन न्यूज फरीद पिलवानी भी माशाल्लाह हमारा मेमन ही है, अच्छी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, इसकी लॉ फर्म भी है, इसके लिए भी मेरी नेक तमन्ना है कि ये भी आगे बढ़े। ये रूमी बिल्डर्स की अचीवमेंट है, बहुत शॉर्ट टाइम में अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह के। वर्टिकल से अब हॉरिजॉन्टल पे भी आ गए माशाल्लाह ताला। वर्टिकल में डिलीवरी दी, वर्टिकल में एक अनाउंसमेंट, दूसरा अनाउंसमेंट, डिलीवरी की अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हॉरिजॉन्टल में इनका ये पहले प्रोजेक्ट है। तो मेरी तरफ से इनको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से इकबाल भाई ने बताया, फहीम भाई ने बताया कि हमारी वहाँ तकरीबन 40-50 एकड़ पे डेवलपमेंट पहले करवाई है हमने, बाद में हम एंट्री गेट बना के उस जगह पे करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक डिलीवरी देने वाली चीज़ है, एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है। तो मैं कहूँगा मेरी तरफ से इनको एडवांस मुबारकबाद, और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनका प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा, जिस तरीके से लोगों का फुटफॉल कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, एक अच्छी चीज़ है। ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपमेंट का ईद गाला प्लान रखा था, जिसमें हमने हमारे पुराने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट रूमी सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन रखा था, जो एक लो बजट प्रोजेक्ट है जिसमें 120-240 गज के प्लॉट थे, और ये मिडिल क्लास पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अल्ताफ भाई ने भी अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आज हमारे ईद गाला हमने रखा था अपने प्रीवियस कस्टमर्स और वॉकिंग कस्टमर जो अभी आ रहे हैं और जिनका अहतमाद हमारा सालों साल से है उनके लिए, और मैं मेमन चंद का थैंक यू कहता हूँ कि वो आए और इतना कीमती वक्त निकाला और कम से कम इस बुरे हालात में लोगों को बताया कि आज भी कराची में आवाम चाहती है अगर ऑथेंटिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए तो वो उसको सपोर्ट करती है। इस वक्त कराची शहर में जो रूमी सिटी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझता हूँ इसका जो रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ ये सरप्राइज्ड है। मुझे फीडबैक मिला कि 3000 से ज़्यादा लोग विज़िट कर चुके हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बुक हुए हैं। मैं इसका क्रेडिट देता हूँ इनकी लोकेशन को कि रूमी सिटी जो प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं उसकी जो लोकेशन है मोटरवे M9 पर, और जिस प्राइस पर ये दे रहे हैं, जिस डेवलपमेंट के साथ, इस प्राइस पे इनका कोई कंपटीशन नहीं है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने और रियल बायर दोनों ने इस प्रोडक्ट को लिया है इनके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहीम खान है, आई एम द सीईओ ऑफ जैब मार्केटिंग। नाउ वी आर हियर रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें हमारे पास 120 गज के 180 और 240 गज के प्लॉट्स हैं M9 के ऊपर, और प्लस हमारे पास फ्लैट्स हैं जिसमें रूमी आइकन्स हैं, रूमी टावर है। सो गाइस, आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ विज़िट करें, बहुत अच्छी लोकेशन है मलीरखंड के पास, और इन फ्यूचर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक अच्छा ऐसा।